अगर आप अपने आप को सैड फील करते हो, यदि आपके अंदर वो चीज़ कमियां हैं, तो वो कमियां को आप दूसरे के प्रति हैंड ओवर मत कर दो कि कोई मेरा दूसरे कमी को बता करके सॉल्व करेगा, या फिर मेरा कोई कमियां बताएगा और मैं उसके ऊपर काम करूंगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। दूसरे पे डिपेंड मत होना दोस्त। एक मज़ेदार कहानी मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक मज़ेदार कहानी ये है कि एक गांव में एक बहुत अच्छे कलाकार रहते थे, चित्रकार रहते थे। एक दिन क्या होता है, बहुत सुंदर वो चित्र बनाते हैं और वो चित्र बना करके गांव के चौराहे पे वो जा करके टांग देते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं कि जिस किसी व्यक्ति को इस चित्र में अगर कोई कमियां दिखाई दे तो वहां पे निशान लगा दे। सुबह लगाता है और शाम को जब जा करके देखता है तो वो चित्र पे इतने निशान लगे होते हैं कि सारा का सारा चित्र बेकार हो जाता है। वो चित्र को देख करके चित्रकार बड़ी दुखी होता है, अत्यंत दुखी होता है। वो शाम को चित्र लेकर के जब घर आता है तो उसके सामने से उसका दोस्त गुजर रहा होता है। तो दोस्त उस चित्रकार को देख करके बड़ा सोचने लगता है कि आखिर ये क्यों दुखी है, इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या बात है। थोड़ा बातचीत करते हैं अपने दोस्त से। तो जब चित्रकार का दोस्त आता है उसके सामने, तो चित्रकार सारी कहानियां उसको बता देता है कि बात कुछ ऐसी है कि मैं एक चित्र बनाया था सुंदर सा, उस चित्र को ले जाकर के चौराहे पे टांग दिया था और उसके नीचे मैंने लिख दिया था कि जिस भी किसी व्यक्ति को इस चित्र के अंदर कोई कमियां नजर आए तो प्लीज उस पर निशान लगा दें। तो जो चित्रकार का दोस्त था वो सारी कहानी समझ गया, बोलता है कि काम करते हैं, एक चित्र और बनाते हैं और उस चित्र को फिर टांगते हैं और उस चित्र के नीचे लिख देते हैं कि जिस किसी व्यक्ति को इस चित्र के अंदर कोई कमियां दिखाई दे उस कमियां को दूर कर दे। तो शाम को तस्वीर लगाता है और अगले सुबह जाकर के जब देखता है तो एक भी निशान उसमें नहीं लगे होते हैं। जो चित्रकार होता है सारी चीजें समझ जाता है कि जो दुनिया की रेत है, ये जो दुनिया के लोग हैं, ये आपके अंदर की बुराइयां तो जरूर लोग बताएंगे, आपके कमियां को तो जरूर उछालेंगे, आपकी आलोचना जरूर करेंगे, आपके बातों को निगेटिव वे में लोग बहुत बताएंगे, लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं कर सकता। अगर कोई प्रयास करेगा तो वह है स्वयं, स्वयं को बदलना पड़ेगा दोस्त। गांव के लोग, दुनिया के लोग, इस देश के लोग एक बात जरूर बोलते हैं, तू हार मान ले, लेकिन अपना दिमाग खुद क्या कहता है, नहीं यार एक बार प्रैक्टिस और करते हैं, एक बार प्रैक्टिस और करते हैं, शायद इस बार मैं सफल हो जाऊंगा। और वो प्रैक्टिस करता है, अवश्य सफल हो जाता है। तो खुद के अंदर कमियां देखो और खुद के सुधार करो। दिस इज लाइफ यार, लाइफ को समझना है, लाइफ में उलझना नहीं है, लाइफ को समझना है और उसको क्लियर करना है। तो काम किस पे करना है, खुद के ऊपर काम करना है, ना कि दूसरे के ऊपर। आशा करता हूं ये कहानी आप लोगों को पसंद आए, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस।